सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फाइनली सैमसंग ने M31 में एंड्रॉयड 11 और OneUI 3.0 का बीटा अपडेट रोल आउट कर दिया है दोस्तों, इंडिया में रोल आउट किया है। तो अगर आप बीटा में साइन इन कर लेते हैं तो आपको एक अपडेट देखने को मिल जाता है जो कि 1712.32 MB का अपडेट है और इसमें आपको एंड्रॉयड 11 के साथ OneUI 3.0 का अपडेट देखने को मिल जाता है और इसमें काफ़ी सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं दोस्तों, काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं इस अपडेट में। तो आज की इस वीडियो में इस अपडेट का रिव्यू दूंगा दोस्तों, साथ ही बताऊंगा कि इस अपडेट में आपको क्या कुछ इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलता है, क्या कुछ नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं 50 लाइक, 50 लाइक आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं टेक दोस्त पीयूष। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं OneUI कोर वर्जन 3.0 एंड्रॉयड वर्जन 11 और सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिल जाता है 1 दिसंबर 2020 का, जो कि लेटेस्ट है। बात करें इसमें इम्प्रूवमेंट्स क्या क्या हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं होम स्क्रीन कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है दोस्तों। उसके अलावा यहाँ पे ब्लर किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं हल्का सा ब्लर इफेक्ट ऐड कर दिया गया है दोस्तों। बात करें नोटिफिकेशन पैनल की तो यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल को पूरी तरीके से चेंज कर दिया, यहाँ पे भी ब्लर इफेक्ट ऐड किया है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स किया है सैमसंग ने। यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट जो आपका नोटिफिकेशन पैनल है उसको सैमसंग ने यहाँ पे चेंज कर दिया है दोस्तों। यहाँ पे मीडिया एंड डिवाइसेस का जो ऑप्शन था वो पहले नीचे था, यहाँ पे ऊपर में ऐड कर दिया है। बाकी यहाँ पे अब नोटिफिकेशन पैनल को यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर दिया है OneUI 3 अपडेट के बाद। यहाँ पे ऐप ड्रॉवर में भी यहाँ पे ब्लर इफेक्ट को ऐड किया है, साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका रिसेंट टैब्स है, जो टास्क मैनेजर है उसमें सैमसंग ने चेंजेस किए हैं, यहाँ पे थोड़ा ब्लर इफेक्ट ऐड किया है। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेटिंग्स है उसको यहाँ पे चेंज कर दिया है, जो उसका आइकन है यहाँ पे, ये भी फीचर नया ऐड किया है OneUI 3.0 अपडेट के साथ। साथ में यहाँ पे जो फोल्डर्स है जो ऐप ड्रावर में, यहाँ पे देख सकते हैं उसको भी हल्का सा कस्टमाइज कर दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सेटिंग्स में भी काफ़ी सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे साउंड्स एंड वाइब्रेशंस में ऐड किया गया है जो सिस्टम साउंड्स है, यहाँ पे अब आपको वाइब्रेशन कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाते हैं, यहाँ से आप वाइब्रेशंस को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी फीचर नया ऐड किया है OneUI 3.0 अपडेट के साथ। अगला जो फीचर है वो है एज पैनल का दोस्तों, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों, क्योंकि OneUI 3.0 के साथ ही सैमसंग ने एज पैनल ऐड कर दिया दोस्तों। बस आपको सेटिंग में जाकर इसे ऑन करना है और यहाँ पे आपका जो एज पैनल है वो इनेबल हो जाएगा और कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे भी थोड़ा ब्लर इफेक्ट ऐड किया है सैमसंग ने, तो ये भी फीचर नया ऐड हुआ है OneUI 3.0 अपडेट के साथ। बात करें अगले फीचर की तो यहाँ वन हैंड मोड, तो यहाँ पे भी सैमसंग ने इम्प्रूवमेंट्स किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का सा यहाँ पे कस्टमाइज कर दिया है सैमसंग ने OneUI 3.0 के साथ, और भी काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। बात करें नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट्स की तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में सैमसंग ने इम्प्रूवमेंट्स किया है दोस्तों, यहाँ पे आप डिटेल में भी नोटिफिकेशन देख सकते हैं, यहाँ पे आप ब्रीफ में भी देख सकते हैं नोटिफिकेशंस को। बस आपको सेटिंग में जाकर नोटिफिकेशंस में ब्रीफ या फिर डिटेल्ड सिलेक्ट कर देना है दोस्तों, तो ये भी फीचर नया ऐड हुआ है OneUI 3.0 अपडेट के साथ। बात करें नेक्स्ट फीचर की तो यहाँ पे मोशन एंड जेस्चर्स में आपको डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन और डबल टैप टू
टर्न ऑफ स्क्रीन, ये भी फीचर नया ऐड हुआ है। इससे क्या होता है बेसिकली, अगर आप डबल टैप कीजिएगा अपने स्क्रीन पर तो वो ऑफ हो जाएगा, डबल टैप कीजिएगा तो ऑन हो जाएगा दोस्तों। तो ये भी फीचर काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, ऐड किया है सैमसंग ने। बात करें नेक्स्ट फीचर की, तो यहाँ पे डायनेमिक लॉक स्क्रीन ऐड कर दिया है सैमसंग ने, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि पहले यहाँ पे नहीं था। तो ये भी फीचर ऐड किया है फ्लैगशिप OneUI 3.0 अपडेट के साथ। यहाँ पे पावर सेविंग मोड में सैमसंग ने इम्प्रूवमेंट्स किया है, और अब आप और अच्छी तरीके से जो अपना बैटरी है उसे सेव कर सकते हैं दोस्तों। बात करें अगले फीचर की, तो अगला फीचर है एज लाइटिंग का दोस्तों। तो यहाँ पे एज लाइटिंग का भी फीचर सैमसंग ने ऐड कर दिया है OneUI 3.0 अपडेट के साथ। एज पैनल भी दिया है, एज लाइटिंग दोनों फीचर्स दिए हैं सैमसंग ने OneUI 3.0 अपडेट के साथ। बात करें अगले फीचर की, तो अगला फीचर है कॉल बैकग्राउंड का दोस्तों। तो OneUI 2 में क्या था कि आप जो नॉर्मल कॉल बैकग्राउंड था सिर्फ वही रहता था, लेकिन यहाँ पे अब आप कॉल के जो बैकग्राउंड है उसे चेंज कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप अलग अलग वॉलपेपर, अलग अलग फ़ोटोज़, इमेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं दोस्तों। बात करें नेक्स्ट फीचर की, तो यहाँ पे कॉल सेटिंग में ही है, जो कि है फुल स्क्रीन पॉपअप मिनी पॉपअप। तो यहाँ पे हल्का सा सैमसंग ने इम्प्रूवमेंट्स किया है OneUI 3.0 अपडेट के साथ। यहाँ पे बात करें नेक्स्ट फीचर की, तो नेक्स्ट फीचर यहाँ पे है गैलरी में। तो गैलरी में भी सैमसंग ने हल्का सा इम्प्रूवमेंट्स किया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियोस हो गया, फेवरेट्स हो गया, रिसेंट्स हो गया, सजेशंस हो गया, यहाँ पे इसे कस्टमाइज कर दिया गया है दोस्तों। ये भी फीचर नया ऐड हुआ है OneUI 3.0 अपडेट के साथ। तो काफ़ी सारे फीचर्स ऐड हुए हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने आपको कुछ फीचर्स बताए हैं दोस्तों, और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं यहाँ पे। जो वॉल्यूम पैनल है उसको सैमसंग ने चेंज कर दिया है, साथ में और भी काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं, सेटिंग्स के आइकन्स को चेंज कर दिया गया है। तो काफ़ी अच्छा अपडेट है, और फ्लेक्सी फीचर्स भी साथ में देखने को मिल गए हैं दोस्तों। अगर आप बीटा में साइन इन करना चाहें तो कर सकते हैं दोस्तों, हालांकि ये बीटा अपडेट है तो प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं दोस्तों। हो सकता है कि जो आप एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाए, क्योंकि ये बीटा अपडेट है, ये स्टेबल अपडेट नहीं है दोस्तों। तो आप अपडेट करना चाहें तो अपडेट कर सकते हैं, आपको अगर फीचर्स चाहिए नए नए तो आप अपडेट कर सकते हैं। सिंपली से आपको सैमसंग मेंबर्स ऐप को लेटेस्ट अपडेट कर देना है। अगर आपके डिवाइस में नहीं है तो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, या फिर गैलेक्सी स्टोर से। यहाँ पे आपको फिर सैमसंग मेंबर्स ऐप को ओपन करना है, उसके बाद नोटिस में जाना है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर OneUI बीटा प्रोग्राम। यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है, आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा 15 से 20 मिनट में, और आपको एंड्रॉयड 11 और OneUI 3.0 आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो जाएगा दोस्तों। जैसे नॉर्मल इंस्टॉल करते हैं कोई भी अपडेट, सिक्योरिटी पैचेस हो गया, कोई मेजर अपडेट हो गया, तो आपको उसी तरह से अपने डिवाइस पे इंस्टॉल कर लेना है जैसे कोई नॉर्मल अपडेट करते हैं। तो यही था आज के इस वीडियो में, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नया है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।